साथियों, आज का दिन जैसा कि हम सबको बहुत गर्व है, आज के दिन पे दो महान हस्तियां आज के दिन के साथ, यादों के साथ जुड़ी हुई हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के विश्व के महान कथाकार, जिन्होंने गूंगों को आवाज दी, जिन्होंने शोषितों वंचितों के दुख तकलीफों को वाणी दी, और शहीद उधम सिंह जिन्होंने अत्याचारी की धरती पर जाकर के ललकारा था। और ये दिन एक तरह से कलम और पिस्तौल का संगम का दिन है कि बौद्धिक विरासत और उस बौद्धिक विरासत को कार्य रूप प्रदान करने के लिए साम्राज्यवाद के खिलाफ दो महान हस्तियां, जिनके दिमाग में, जिनके दिल में भविष्य की पीढ़ियों के लिए सपने पलते थे, और उन सपनों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई। तो इन दो महान हस्तियों के साथ आज का दिन जुड़ा हुआ है। हम सब इन दोनों महान हस्तियों को याद करते हुए जिस विषय पर आज चर्चा करेंगे, वो विषय है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, उसको अपना लिया है। अभी उस नीति को लागू करने के लिए नियम कायदे कानून बनने बाकी हैं। उस नीति में बहुत सी बातें हैं, लेकिन उसके जिस हिस्से पे हम बात करेंगे वो है भाषा। और मुंशी प्रेमचंद भाषा के जानकार, भाषा चिंतक, उनकी क्या सोच थी उसके संदर्भ में हम ये मोटे तौर पे ये बातचीत रखेंगे, क्योंकि भाषा का महत्व हरेक मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा होता है। बच्चा पैदा होने से लेकर के जितने भी काम करता है मनुष्य, वो सब भाषा में करता है। हंसना, रोना, गाना, अपनी समस्याएं बताना, सब चीजें भाषा में होती हैं। और अपनी जरूरतें बताना, खास तौर पे आधुनिक समय में जब अपनी जरूरतें बताई जाती हैं शासन सत्ताओं को, तो उसके लिए भी एक भाषा चाहिए। तो वो भाषा, क्योंकि हम भाषा में रहते हैं, और भाषा आम साधारण जन भाषा के बारे में सिर्फ इतनी ही बात रखता है कि वो एक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, विचारों के आदान प्रदान का साधन है। लेकिन बात सिर्फ विचारों के आदान प्रदान की नहीं है, क्योंकि मनुष्य कोई फॉरवर्डिंग एजेंसी नहीं है। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे अधिकांश लोगों को बड़ी बड़ी सत्ताओं ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने जो एक भूमिका दे दी है कि वो सिर्फ फॉरवर्डिंग एजेंसी बन गई है, लेकिन मनुष्य सिर्फ एक मशीन की तरह से चीजों को अग्रेषित नहीं करता, बल्कि विचारों को, वस्तुओं को अपने अनुसार उसके अंदर वैल्यू एडिशन करता है, उसको जोड़ता है, उसको स्वयं निर्मित करता है, और उन सब का माध्यम भाषा है। इसलिए भाषा के बारे में सिर्फ ये मानना कि वो विचारों के आदान प्रदान का जरिया है और किसी भी भाषा से वो संभव होगा, इसलिए भाषा कोई मुद्दा नहीं बनती, जबकि भाषा मनुष्य के अस्तित्व के साथ, उसकी पहचान के साथ, उसकी अपनी पूरी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए भाषा का सवाल एक तरह से मनुष्यता का सवाल बनने लगता है। और भाषा भी एक डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का कारण बन जाती है, बनी रही है, और पूरी दुनिया में इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा साहित्यकारों ने सोचा, इस बात के ऊपर कि जिस तरह से रंग के आधार पर भेदभाव होता रहा, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इलाकों के आधार पर,
भेदभाव का शिकार हुए लोग भाषा के आधार पर भी भेदभाव का शिकार होते हैं, क्योंकि सारी हमारी शिक्षा भाषा के माध्यम से संपन्न होती है और शिक्षा के माध्यम से हम योग्यता ग्रहण करते हैं और उस योग्यता को प्राप्त करके जिसे हम रोजगार कहते हैं, अपना जीवन में अपनी योग्यता को जब एक्सरसाइज करते हैं, जब कोई भी काम करते हैं, तो कोई भाषा हमें उसका मौका देती है कि नहीं देती है, कि जिस भाषा में हमने योग्यता प्राप्त की क्या उस भाषा में अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का हमारे पास अवसर हैं। तो ये सब सारे सवाल जुड़े हुए हैं और जब ज्यों ज्यों इन सवालों की परतें खुलती जाती हैं तो भाषा एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पे हमारे सामने आता चला जाता है। इसीलिए भाषा पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक बड़े मुद्दे के तरह रहा और जितने भी हमारे सर्वोच्च बड़े बड़े नेता हों, सब ने भाषा के बारे में सोचा कि भाषा का क्या स्वरूप होगा, कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा के तौर पे विकसित होगी, किस तरह की भाषा अपनाई जाएगी। ये बहुत सारे सवाल जो भाषा के इर्द गिर्द घूमते हैं वो हमेशा से ही चिंतन का, चर्चा का विषय रहे। मुंशी प्रेमचंद क्योंकि एक बहुत बड़े साहित्यकार थे और हिंदी भाषा के निर्माण में, उसको स्वरूप प्रदान करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने जो भाषा के ऊपर 4-5 तो बहुत ही शानदार लेख लिखे हैं, जिनमें राष्ट्रभाषा हिंदी और उसकी समस्याएं एक लेख है, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, ये भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, हिंदी उर्दू की एकता, ये इनका एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है मुंशी प्रेमचंद का, उर्दू हिंदी और हिंदुस्तानी, एक ये बड़ा महत्वपूर्ण लेख है। ये 4 लेख तो मुंशी प्रेमचंद ने पूरी तरह से भाषा के सवाल को केंद्रित करते हुए लिखे और इन सारे लेखों के यदि हम शीर्षक देखेंगे तो उन सबके इर्द गिर्द है ये कौमी भाषा के विषय में, हिंदी उर्दू की एकता, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी या राष्ट्रभाषा और उसकी समस्याएं, यानी सारे शीर्षक कौमी एकता के आसपास जो भारतीय जातीयता है उसके स्वरूप को निर्धारण करने के आसपास ये सारे लेख निर्मित हुए हैं। तो भाषा निर्माण का सवाल और एक तरह से समाज निर्माण के सवाल के तौर पे हमारे लेखकों ने समझा है। तो इस रूप में इसीलिए जब भी भारत की शिक्षा नीति बनी, आजाद भारत में अभी तक ये तीसरी शिक्षा नीति है, पहली बार एस कोठारी जो आयोग था, फिर उसके बाद 1986 में जो शिक्षा नीति बनी और फिर संशोधन हुआ 1992 में उसी नीति में, और ये तीसरा एक तरह से डॉक्यूमेंट आया है नीति के तौर पे। अभी इसके नियम बनने बाकी हैं, इसमें भी तीनों ही नीतियों के अंदर भाषा के सवाल को एक मुख्य सवाल के तौर पे रखा गया है। जिस तरह से पानी का सवाल बहुत सारे राज्यों के बीच में विवाद का विषय रहा और भारत की तो पूरी आजादी के बाद का जो स्वरूप, भारत का जो राजनीतिक नक्शा है वो भाषावार आधार पर ही प्रांत बने हैं, भाषाओं के आधार पर ही राज्यों की निर्माण हुआ है, तो इसलिए भाषा का सवाल कई कई मायनों में एक राजनीतिक सवाल है, एक साहित्यिक सांस्कृतिक सवाल है, मनुष्यता के विकास के साथ का सवाल है और हरेक व्यक्ति को समान अवसरों का सवाल है। भाषा के सवाल को हम सिर्फ अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पे, एक अपनी बात कहने और दूसरे की बात समझने के रूप में ही संकुचित करके नहीं देख सकते, भाषा का सवाल एक राजनीतिक सवाल है। ये विषय हमने इसीलिए चुना कि जब 2 दिन पहले नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई और 2 दिन के अंदर ही उस शिक्षा नीति में बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में विचार विमर्श की जरूरत है, हमेशा रहती है लोकतंत्र में, विरोध भी होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले जो विषय चर्चा का विषय बना वो विषय बिना भाषा का, क्योंकि शिक्षा नीति में एक सवाल
अब वो लागू होगा नहीं होगा, किस रूप में होगा, वो आगे का सवाल है। लेकिन अभी जो शिक्षा नीति का जो एक तरह से 71 पेज 70 पेज जो सरकार ने घोषित किए हैं, उसमें एक मुद्दे के तौर पे ये रखा कि 5वीं तक की शिक्षा विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा में दी जाएगी और उसके बाद 8वीं तक की प्रेफरेबली और उच्च शिक्षा भी उसकी मातृभाषा में या उसकी अपनी भाषा में प्रदान की जाएगी। ये उसमें एक संकल्प के तौर पे रखी गई बात है। और इस बात को लेकर के दुनिया के जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं, जो भी शिक्षाविद हैं, उन सब की ये राय है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पूरी दुनिया में ये बात है कि विद्यार्थी को, बच्चे को कम से कम 5वीं तक की शिक्षा उसकी मातृभाषा में मिले और उसके बाद जो दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज सीखने का जो समय है वो कब शुरू होता है उसके भी पूरे भाषा वैज्ञानिकों ने पड़ताल करके उस पर शोध करके इसी बात की तस्दीक की है कि 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। ये एक सरकार का उचित दिशा में उठाया गया कदम है। अब इस पे इसको लागू करने में, इसके लिए नियमावली बनाने में सरकार की कितनी इच्छा शक्ति होगी ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि ये सब बातें पिछली शिक्षा नीतियों में भी लिखी गई थी और उसके बावजूद भी सरकारों ने पहली कक्षा से अंग्रेजी या दूसरी भाषा शुरू करना और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना वो शुरू किया, तो ये बातें पहले भी लिखी गई थी, लेकिन दोबारा से फिर इस बात के ऊपर जोर दिया गया है। और हमारे मीडिया के अंदर, हिंदी मीडिया में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई एक इतनी बड़ी बात अनहोनी हो गई है कि जिससे कि हमारा पूरा का पूरा शिक्षा का ढांचा और सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, इसलिए ये विषय हमने चुना है। तो दोस्तों, कि जो मुंशी प्रेमचंद ने जो कहा था भाषा के बारे में कि समाज की बुनियाद भाषा है और भाषा के बगैर किसी समाज का ख्याल नहीं किया जा सकता, आप मानिए कि यदि किसी समाज से उसकी भाषा छीन ले जाए तो उस समाज के अंदर क्या तो नए विचार सूझेंगे, क्या उसमें मौलिकता होगी और कितने विश्वास के साथ वो अपने विचारों को आगे रख पाएगा। उसी दौरान कि अंग्रेजी राजनीति पर, या मुंशी प्रेमचंद का मैं एक कोट पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी राजनीति का, व्यापार का, साम्राज्यवाद का हमारे ऊपर जैसा आतंक है उससे कहीं ज्यादा अंग्रेजी भाषा का है। अंग्रेजी राजनीति से, व्यापार से, साम्राज्यवाद से तो आप बगावत करते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा को आप गुलामी के तोप की तरह गर्दन में डाले हुए हैं। अंग्रेजी राज्य की जगह आप स्वराज्य चाहते हैं, उनके व्यापार की जगह अपना व्यापार चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा का सिक्का हमारे दिलों पर बैठ गया है, उसके बगैर हमारा पढ़ा लिखा समाज अनाथ हो जाएगा, ऐसा मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। और लगभग यही हाल हमारा अभी तक चल रहा है कि जब ये बात पब्लिक डोमेन में परसों से घूम रही है तो अखबारों के माध्यम से, टीवी पे भी, टीवी डिबेट्स में भी ये बात सामने आई कि ये कैसे संभव होगा, अभी तो मातृभाषा की कोई स्वरूप नहीं है, और बहुत सारे ऐसे एब्सर्ड सवाल खड़े करके कि जैसे यदि हरियाणा का उदाहरण लें तो हिंदी में पढ़ाया जाएगा कि हरियाणवी में भी वो बागड़ी में होगा कि बांगरू में होगा, कि उसकी कौन सी मातृभाषा होगी। ये सब सवाल जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं वो मुझे, मैं वो ऐसा लग रहा है कि बजाय इस बात के कि सरकार मातृभाषाओं में, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पे जोर डालने की बजाय, ये एक दूसरे परिप्रेक्ष्य से सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बात ठीक है कि हमारे शिक्षाविदों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने जो विश्वविद्यालयों में
स्कूलों में, शोध संस्थानों में जो काम करते हैं उनकी आप काहिली कहिए, उनका स्वार्थ कहिए, उनका डर कहिए या उनकी सुविधा कहिए, किसी भी कारण से उन्होंने अपनी मातृभाषाओं में ज्ञान का सृजन करने में कोताही बरती है। चाहे समाज विज्ञान के विषय हों, चाहे मानविकी के दूसरे विषय हों, और विज्ञान और औद्योगिकी तो बात ही छोड़ दीजिए, कि हिंदी भाषा में या दूसरी जो भारत की दूसरी भाषाएं हैं उन भाषाओं में कितनी ज्ञान की सामग्री का निर्माण किया है, ये सवाल है। और क्योंकि जब भी मदर जो टंग है या जो हमारी मातृभाषा है उस वो शिक्षा का माध्यम बनेगी, तो इन बुद्धिजीवियों की, विश्वविद्यालयों में काम करने वाले डॉन्स की, इन सब की जिम्मेवारी तय होगी कि उन्होंने, उनको काम करना पड़ेगा कि किस तरह से वो सामग्री तैयार करें कि जिससे हमारी भाषाओं में ज्ञान का पसारा हो सके। ये अभी तक एक बंद चैप्टर है कि, और इसी चैप्टर को ये बंद रहे इसीलिए इसके कि ये व्यावहारिक नहीं है, ये संभव नहीं हो पाएगा, इस तरह की चारों तरफ चिल्लपों मची हुई है। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज भी शिक्षा नीति के बारे में, निजीकरण के और के बहुत सारे सवाल हैं जिन पे विवाद हो सकता है, बातचीत हो सकती है, शिक्षा प्रदान करने वाले जो निजी स्कूल जो बने हुए हैं जो अंग्रेजी में प्रदान करते हैं, मुझे ये डर है, इस बात की आशंका है कि शहरों में बहुत सारे लोग अपनी मातृभाषा अंग्रेजी ना लिखवाना शुरू कर दें जनगणना में, ताकि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ सके। कि अंग्रेजी माध्यम इसी बात का कि जिसकी मातृभाषा कुछ है वो इस बात के लिए हो सकता है अपनी मातृभाषा भी अंग्रेजी लिखवाना शुरू कर दे, क्योंकि ये एक बड़ा माफिया है जो भाषा के नाम पे शिक्षा की एक तरह से तस्करी करता है। कि जो आम आदमी, जो इक्वल लेवल है, जो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को कुछ लोगों तक सीमित हो जाता है। और ये बात सिर्फ माध्यम तक, शिक्षा तक नहीं रुकेगी, जिस भाषा में हम अपनी योग्यता प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, उसी भाषा में फिर रोजगार के अवसर भी होंगे, उसी भाषा में फिर रोजगार की हमें उसको प्रैक्टिस करने का मौका भी मिले। तो ये एक इस तरह की संघर्ष की एक रूपरेखा बननी चाहिए कि देखिए, जो लोग मातृभाषाओं के या भारतीय भाषाओं के खिलाफ होते हैं, अंग्रेजी की से जिनको अंग्रेजी आने के कारण जिनकी पीढ़ियां अंग्रेजी में खप गई हैं, जिनके घरों में अंग्रेजी की अलमारियों की किताबें भरी हुई रखी हैं, उनके लिए अंग्रेजी एक विशेष अधिकार है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि शिक्षा का माध्यम बदले। नौकरियों में जो कंपटीशन होता है उसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए, वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ भाषा के कारण ही उन्हें एक बहुत बड़ा विशेष अधिकार प्राप्त है। वो उसी कारण से ही रोजगार की पंक्ति में सबसे आगे खड़े होते हैं। कोई भी भाषा आना बुरी बात नहीं है, अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत अच्छा साहित्य उसमें लिखा गया है, बहुत समृद्ध भाषा है, ज्ञान है उसके अंदर, लेकिन यहां अंग्रेजी के विरोध का सवाल नहीं है, बल्कि शिक्षा किस भाषा में दी जाए। हमें यदि हरियाणा का या भारत का भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, वो हम किस भाषा में जाने, ये सवाल है। शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी एक भाषा के तौर पे जरूर पढ़ाई जाए, हर बच्चे को अंग्रेजी आनी ही चाहिए, जैसे दूसरी भाषाएं आनी चाहिए, जितनी भाषाएं सीखे उतना अच्छा है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से जब दूसरे विषय पढ़ाए जाते हैं तो ज्ञान का विस्तार उन भाषाओं में और उन भाषाओं के जरिए उन समाजों तक नहीं पहुंचता जिन समाजों के अंदर वो भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि भाषाओं के माध्यम से ही, भाषा ही एक तरह से ज्ञान के प्रसार का जरिया है, उसी के माध्यम से ज्ञान लोगों तक जाता है।
उनके जीवन का हिस्सा बनता है। इसलिए ये सवाल इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि ये जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से एक सवाल आया है कि हम बजाय इस बात के कि ये संभव नहीं है, इससे ये हो जाएगा, बल्कि इस बात के लिए जोर डाला जाए सरकार के ऊपर कि जो उसने घोषणा की है, जो संकल्प लिया है, उसको लागू करने के लिए वो पुख्ता कानून बनाए और जितने भी चाहे कोई हर स्कूल के अंदर एक ही भाषा माध्यम हो एक इलाके में, ताकि सबको बराबर का एक तरह से शिक्षा मिल सके, ये करना जरूरी है। और इसी बात के लिए चाहे हमारे जितने भी शिक्षाविद हैं, चाहे उसमें रविंद्रनाथ टैगोर हैं, चाहे मुंशी प्रेमचंद हैं, चाहे विवेकानंद हैं, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, जितने भी हमारे शिक्षाविद हैं जिन्होंने शिक्षा के बारे में सोचा, ये विचार और जितने भी दुनिया के शिक्षाविदों ने सोचा उसी की तर्कसंगति में ये विचार है। ये जो संकल्प रखा गया है ये पुराने शिक्षा नीतियों की तरह से ही उसकी शोभा बनकर ना रहे, बल्कि वास्तव में ये विचार कार्य रूप ले, इसके लिए लोगों के दिमाग में डालने की जरूरत है। क्योंकि लोगों के दिमाग में जो डाला जा रहा है वो ये कि यदि अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ेंगे तो उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार सबको चाहिए, ये आगे रखी जा रही है बात। और किस तरह से फिर ज्ञान होगा, क्या होगा, तो कितनी बार हमारी, मैं यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और हमारे साथ ही एक नेशनल इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का, तो इतने लोग, इतने टीचर हैं, यदि वो एक एक काम भी करेंगे अपनी जिंदगी में अपनी मातृभाषा में तो ज्ञान की कोई कमी नहीं रहेगी। यदि वो करेंगे ही नहीं, कोई ट्रांसलेशन भी नहीं करेंगे, मौलिक सृजन तो छोड़िए, यदि वो ट्रांसलेशन भी नहीं करेंगे तो हमारी भाषाओं में ज्ञान कैसे बढ़ेगा, कैसे पनपेगा। तो ये एक तरह से जो हमारे शिक्षा संस्थान है उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो हमारे समाज को शिक्षित करें, और शिक्षित करने का माध्यम ये भी है कि वो उस भाषा में अपना ज्ञान का सृजन करें जो भाषा उनके आसपास के परिवेश में, जिस भाषा से वो आते हैं। और यही जो आज का जो दिन है, मुंशी प्रेमचंद और शहीद उधम सिंह, कि हमारे अपने लोग सक्षम बने, हमारे अपने लोगों की भाषा में ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हों, उसी में उनको रोजगार मिले, इन सब चीजों के लिए ही तो उधम सिंह फांसी पर चढ़े थे, और मुंशी प्रेमचंद के सारे साहित्य कितनी बार जब्त हुआ, जेल में भी गए, नौकरी भी छोड़ी, वो इसी बात के लिए। यदि आजादी के इतने साल के बाद भी मानसिक गुलामी हमारी पूरी प्रणाली के अंदर रहती है तो कैसे फिर हम कहेंगे कि भारत देश जो है वो अगली उस पे पहुंचेगा। तो ये एक कोई बहुत लंबा भाषण देने के लिए नहीं, सिर्फ उनको याद करने के लिए, और इस शिक्षा नीति खास तौर पे हमारे देश हरियाणा और जितने भी हमारे आसपास जो सारे दोस्त मित्र जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो मातृभाषाओं का, देसी भाषाओं का, स्थानीय भाषाओं को के अंदर ज्ञान पहुंचे और वो उनके अंदर सरकारी कामकाज भी हो, उनके अंदर रोजगार के अवसर बने, ताकि जो ग्रामीण जो अंतिम व्यक्ति है वो भी उसके अंदर कंपीट कर सके। इसलिए इसको एक इस अवसर के रूप में देखते हुए हमें ये जो विचार टेलीविजन के चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के जरिए ये लोगों के दिमाग का हिस्सा बनाया जा रहा है कि मातृभाषाओं में ज्ञान संभव नहीं है, शिक्षा संभव नहीं है, और उसके अनेक जो अव्यवहारिक पहलू हैं उसको इतना बड़ा करके दिखाया जा रहा है, ये एक ऐसा खतरनाक विचार है कि जो स्थानीय जनता है उसको ज्ञान की दुनिया से
और उसकी भाषा में ज्ञान से वंचित करने वाली बात है। तो इसलिए इस विचार को देखते हुए, इसके जितने भी बारीक पहलू हैं उनको समझते हुए, हमारा ये काम बनता है कि जो भाषा के नाम पे जो एक इलीट क्लास का यहाँ पे वर्चस्व है भारत के अंदर, और भाषा एक विशेषज्ञ होने का और भाषा एक खास अधिकार प्राप्त करने का जरिया बन गया है, उसको चुनौती प्रदान करने का समय है। सरकार के ऊपर हम ये दबाव बनाए कि वो जो उसने संकल्प लिया है, जो नीति के अंदर घोषणा की है, उसको वास्तव में लागू करे, उसमें इच्छा शक्ति दिखाए। सिर्फ ये एक उसका एक वाक्य बनकर ना रह जाए। इसके लिए जितना हम प्रयास कर सकते हैं, जितना लोगों को समझा सकते हैं, वो सब करने की जरूरत है। क्योंकि शिक्षा नीति, शिक्षा, रोजगार, ये सारे सवाल अब असल में स्वार्थों की टकराहट होती है उनमें। जो समाज के पहले से आगे बढ़े हुए वर्ग हैं, जिनके पास तरक्की करने के और बहुत सारे रास्ते हैं और उसमें एक भाषा भी है, यदि उस भाषा के माध्यम से ही सारे कंपटीशन होंगे, यदि उसी भाषा के अंदर शिक्षा होगी, तो स्वाभाविक तौर पे जिसको वो भाषा नहीं आती है वो पिछड़ जाएगा, वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि आप उत्तर भारत की स्थिति देखिए और दक्षिण भारत की देखिए, कि दक्षिण भारत की भाषाओं ने जिस तरह से अपनी तरक्की की है कि वो सब सारी शिक्षा अपनी लोकल लैंग्वेज में है, स्थानीय भाषाओं में है, लेकिन सबको अंग्रेजी भी अच्छी आती है, किसी को कोई समस्या नहीं है। उत्तर भारत में ये एक ऐसी बीमारी की तरह से फैली है ये बात कि गांव तक भी कि अंग्रेजी मीडियम होना चाहिए। अंग्रेजी जरूर पढ़ें, सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई जाए, प्राइवेट हैं तो उनमें भी पढ़ाई जाए, लेकिन मीडियम के तौर पे ना तो कोई शिक्षाविद, ना तो कोई भाषा वैज्ञानिक, ना तो कोई इस बात की एक तरह से समर्थन नहीं करता। इसलिए मुंशी प्रेमचंद और जो दूसरे साहित्यकार हैं उनकी जो भावना है, उन्होंने जो कहा था कि किस तरह से भाषा के माध्यम से जो गुलामी के संस्कार हमारे अंदर पनपते रहते हैं, उन संस्कारों को दूर करने का एक जरिया अपनी भाषा के अंदर काम करने का विश्वास होना, अपनी भाषा को समृद्ध करना, अपनी भाषा में सोचना, और सरकारों पे क्षेत्रीय भाषाओं को लोगों की भाषाओं में काम करने के दबाव बनाना। क्योंकि लोगों को जब सशक्त होंगे, लोग जब सक्षम होंगे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि लोगों के पास जो औजार हैं, जो टूल हैं, वो उनमें काम कर सके, उनमें काम करने के अवसर प्राप्त हों। यदि हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा में काम करने के अवसर उपलब्ध होंगे तो लोग सक्षम होंगे, तो लोग सशक्त होंगे। भाषा, लोगों की भाषा में काम के अवसर प्रदान करना एक जन सशक्तिकरण का काम है। इसलिए जो अपने आसपास जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक नेता हैं, जो अन्य सरकार की नीतियों के ऊपर आंदोलन करते हैं, सरकार तो बहुत सारी नीतियां बनाती है, उसमें बहुत सारी कमियां भी होती हैं, और उनको लागू ठीक से करवाने के लिए बहुत सारे संगठन काम करते हैं, तो भाषा की जो एक नीति बनी है, ये शिक्षा नीति, और उसमें एक भाषा का जो माध्यम है, उस भाषा वाले पॉइंट को लागू करवाने के लिए भी राजनीतिक पार्टियां भी और दूसरे सामाजिक संगठन भी, शिक्षा के संगठन भी, भाषाई संगठन भी, जो इस बात में भरोसा करते हैं कि जन शिक्षा, जन भाषा, उसी के अंदर शासन की भाषा हो, उसमें कोई दूरी ना हो, तभी पारदर्शिता आएगी, तभी आम साधारण नागरिक संपन्न और सशक्त होगा। जो इसमें भरोसा करते हैं वो इसके इर्द गिर्द एक चेतना का निर्माण का काम करें, तो यही एक तरह से इन दो शख्सियतों का, जिनके साथ आज का ऐतिहासिक दिन जुड़ा हुआ है, वो हमारे लिए यही संदेश लेकर के आया है। तो बहुत ज़्यादा इस उस पे बातचीत ना करते हुए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद
कि लंबी बातचीत के लिए ना अभी समय है, हम इस पर बाद में बातचीत करेंगे तो पूरी तैयारी के साथ। लेकिन ये जो भाषा का सवाल शिक्षा नीति में उठा है, इसके खिलाफ एक तरह से बम्बार्डमेंट हो रही है और इसके अंदर स्वार्थ छुपे हुए हैं। उन स्वार्थों को पहचानिए और जो जन स्वार्थ हैं, जो जन जन अपेक्षाएं हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनके बारे में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनको दूर करना हमारा दायित्व बनता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसमें शामिल हुए और इन दो महापुरुषों को हमारा नमन, देश हरियाणा का, देश हरियाणा की पूरी टीम का, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।